بسم الله الرحمن الرحيم ونستعين عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويأتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير. हज़रत ग्रामी सिलसिलाए अहादीस सहीहा के आज की हदीस है, हदीस नंबर 2125 और उसके अलावा तबरानी ने कबीर में इस हदीस को सही सनद के साथ जिक्र किया है। रावी हदीस हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर से जमीन पर बैठा करते थे, जमीन पर बैठकर ही खाया करते थे। बकरी के दूध दोया करते थे। गुलाम और मामूली किस्म के लोग भी अगर आपको जौ की रोटी की तरफ दावत देते तो आप उनकी दावत को कबूल फरमाते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बादशाहों का बादशाह है। कायनात में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईदम और कयामत की सुबह तक आने वाले तमाम इंसानों में अफजल हैं, जो कि महबूब सुभानी हैं, अल्लाह के सबसे चहीते हैं, जिनके एक इशारे पर अल्लाह ताला ने ये कहा कि नबी आप बताएं तो ओहद पहाड़ को सोने का बना देता हूं। जिनके इशारे पर वो सहाबा इकराम जिनके ताल्लुक से अल्लाह ने खुद कहा कि रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अरे ये सहाबा जो कि हक के मेयार हैं और कायनात में अंबिया के बाद सबसे ऊंचे मकाम मर्तबे वाले हैं, नबी के एक इशारे पर हजारों लाखों सहाबा इकराम अपनी जान निछावर कर दे। वो नबी जिनके सामने बड़े बड़े बादशाह घुटने टेकने पर मजबूर हुए, लेकिन आपकी सादगी देखिए, आपकी सिंप्लिसिटी देखिए। सादगी ईमान का हिस्सा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है, अल बदादतु मिनल ईमान, सादगी सिंप्लिसिटी ईमान का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ऊंचे मुकाम पर फाइज होने के बावजूद आपके चचाजात भाई और आपके खादिम, जैसे हजरत अनस आपकी खिदमत में लगे रहते थे, आपके चचाजात भाई, आपके चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के फर्जंद हजरत अब्दुल्ला हमेशा आपके साथ लगे रहते थे, आपसे इल्म हासिल करते, आपकी खिदमत करते, कभी रात में आपके पास ही सो जाया करते थे। इसीलिए आपके बारे में तहज्जुद की रिवायतें भी इब्ने अब्बास बयान करते हैं। तो कहते हैं कि मैं नबी को घर में देखा हूं क्या क्या करते हुए, कहते हैं कि आप जमीन पर ही बैठते, जमीन पर ही लेटते और जमीन पर ही खाते, जमीन पर ही खाया करते थे। जहां तक मुमकिन हो सके इस पर अमल करें, इस पर अमल करें जहां तक मुमकिन हो सके। अगर किसी को कोई मजबूरी है, किसी को कोई मजबूरी है तो ये और बात है, वरना जहां तक हो सके जमीन पे ही बैठा करें, जमीन पे बैठ के खाया करें। इसमें इंसान की आजिजी इंकिसारी टपकती है। और जो लोग मगरूर होते हैं, गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होते हैं, वो चेयरों में बैठना, बड़े बड़े मसनदों में बैठना, टेक लगा के शाहाना अंदाज में बैठना, ये जरूरत के वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बगैर फखर के, बगैर एक शाहाना अंदाज के जरूरत के वक्त में बैठें। किसी को तकलीफ है जमीन पे बैठ के खा नहीं सकते हैं, वो खाएं कुर्सी पे बैठ के, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जहां तक मुमकिन हो सके घर में जमीन पे बैठ के ही खाया करें। आपके वो मेहमान जो जमीन पे बैठकर खाने को नापसंद नहीं करेंगे, उनको उसी के आदि बनाइए आप,
उनको जमीन पे बैठकर ही खिलाया करें ताकि नबी की सुन्नत और ये जो सादगी सिंप्लिसिटी है इस पर अमल हो जाए, इस पर अमल हो जाए, क्योंकि ये ईमान का हिस्सा है। इंसान मिट्टी से बना है, मिट्टी को ही आखिरकार जाना है। ये तसव्वुर उसके दिलो दिमाग में रहे और मिट्टी के साथ इसका ताल्लुक जितना अच्छा होगा गोया कि उसके अंदर वो आजिजी इंकिसारी आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामकाज भी किया करते थे, आप बकरियां दोया करते थे। दूसरी रिवायत में नबी के बारे में फरमाते हैं कान यकूनु फी मेहनति अहली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के, अपने बीवियों के काम में हाथ बटाया करते थे, हाथ बटाया करते थे। ये भी जरूरी है, ये भी आप करें अगर आपको फुर्सत है, वक्त है। लेकिन अगर आप बाहर हैं और ऑफिस के काम में, बिजनेस में, तिजारत और कारोबार में आपका वक्त जा रहा है, तो बीवी को चाहिए कि इस बात का ख्याल रखें कि बुनियादी तौर पर ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर शौहर एक्स्ट्रा कुछ उसके साथ दे देते हैं, हाथ बटा देते हैं, ये शौहर का एहसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूली आदमी अगर बुलाएं तो उसकी दावत पर लब्बाइक कहते और चले जाते थे, लब्बाइक कहते और चले जाते थे। हमारा और आपका हाल यह है, कोई बड़ा आदमी अगर बुलाएं, मामूली वो ना चाहते हुए बुलाए तब भी उनकी दावत पे चले जाते हैं। और एक अगर मामूली इंसान बड़े खुलूस और इखलास के साथ और बड़े इसरार के साथ बुलाते हैं और कहते हैं कि आप आए, तो आप जाते हुए भी नहीं जाते, जानबूझकर वहां जाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? अपने मेयार और लेवल के जो नहीं है ना, इसलिए। ये गलत बात है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां बादशाहों के दावत में जाया करते थे, वहीं आप ममलूक जब मालिक के पास जाते थे, ममलूक के पास भी आप उनकी दावतों में जाते, और वो भी क्या, मामूली अगर जौ की रोटी की तरफ बुलाते तब भी आप जाया करते थे। क्योंकि दिल में जो इखलास, मोहब्बत और लिल्लाहियत होती है ना, दिलों की मोहब्बत बहुत अहम है। दिलों में मोहब्बत नहीं है और आपको बहुत अच्छा खासा खिलाए तो उसमें मजा नहीं है। दिलों की चाहत और मोहब्बत के साथ सूखी रोटी में भी वो मोहब्बत है, वो मजा है। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको इन कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभानकल्लाहुम्मा हमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीना मोहम्मद।